भागलपुर बिहार कृषि विभाग एवं कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन अभिकरण आत्मा भागलपुर की ओर से कृषि एवं अन्य संबंधित क्षेत्रों में स्वरोजगार के लिए किसान मेला सह उद्यान एवं पशु प्रदर्शनी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। शुक्रवार को कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन भागलपुर के जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने किया। कार्यक्रम कृषि विभाग परिसर तिलकामांझी भागलपुर में आयोजित की गई। वहीं किसान मेला एवं पशु प्रदर्शनी प्रतियोगिता में बेहतर करने वाले किसानों को पुरस्कृत किया गया। इधर जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने कहा कि किसान मेला का मुख्य उद्देश्य किसानों को बेहतर ढंग से खेती करने के लिए जागरूक करना है। उन्होंने कहा कि भागलपुर में GI टैग मिले जर्दालू आम, कतरनी चूड़ा के साथ साथ मछली पालन, मुर्गा पालन, बकरी पालन एवं जैविक खेती में किसान बहुत ही सराहनीय कार्य कर रहे हैं। अब उन्हें सही बाजार और सही पैकेजिंग करने की जरूरत है, तभी वह अपने सामानों का उचित मूल्य पा सकेंगे। कार्यक्रम के दौरान कृषि विभाग के निर्देशक, उप निर्देशक के साथ साथ दर्जनों कार्यकर्ता एवं सैकड़ों किसान मौजूद थे। आयोजित की गई है कृषि विभाग, उद्यान से संबंधित जो विभाग है, मत्स्य विभाग एवं अन्य जितने भी एलाइड डिपार्टमेंट होते हैं, सब लोगों ने मिल करके ये प्रदर्शनी आयोजित की गई है। और पूर्व के वर्षों में भी ये होता रहा है। प्रदर्शनी के साथ साथ यहाँ पुरस्कार भी दिया जाता है। जो किसान अच्छा उत्पादन कर रहे हैं, हम लोग यूनिवर्सिटी से साइंटिस्ट को, स्पेशलिस्ट को बुलाते हैं और वो असेसमेंट करके किसानों को पुरस्कृत भी करते हैं, जिससे उनका मनोबल बढ़ता है। और साथ साथ जो दूसरे किसान आते हैं वो सीखते भी हैं कि कैसे जो है वो अपनी पैदावार को और बेहतर कर सके, किस तरह से उनकी आमदनी बढ़े। और जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है कि कृषि रोड मैप के हिसाब से जो जैविक खेती है, मौसम अनुकूल खेती है, या किसानों के जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी बेहतर मार्केटिंग पैकेजिंग, इसकी कैसी व्यवस्था हो, क्योंकि यहाँ दो दो GI प्रोडक्ट है, जो आपका जर्दालू आम है और जो कतरनी चूड़ा चावल है, उसको लेकर के भी पिछले वर्षों में लगातार हम लोगों ने बेहतर प्रयास किया है। इंटरनेशनल मार्केट में भी प्रोडक्ट पहुँचा है। तो राज्य सरकार के निर्देश के आलोक में, कृषि विभाग के निर्देश के आलोक में, कृषि रोड मैप का जो हम लोगों को अनुपालन करना है, वो अनुपालन करने का प्रयास किया जा रहा है। और लगातार हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि किसानों को बेहतर सुविधाएं कृषि विभाग उपलब्ध कराए, और जितने अन्य विभाग भी हैं, चाहे उद्यान से संबंधित हो, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग का हो, जैसे अभी आप देखेंगे कि चौड़ में कैसे मछली उत्पादन बेहतर हो सकता है। इसी जिले में गोराडी में मैं खुद गया था, जो प्रॉन की खेती हो रही है और काफ़ी अच्छा रेट मिला, तो और किसान भी उसको देख करके सीख सकते हैं। मछली का चारा या जो पोल्ट्री फार्म के लिए जो दाना बनता है, उसकी यूनिट लगाने के लिए विशेष सब्सिडी की व्यवस्था है, उसके बारे में भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये बहुत बढ़िया प्रयास है। इसके लिए सारे कृषि विभाग एवं जितने संबद्ध विभाग हैं, सबके पदाधिकारी इसके बधाई के पात्र हैं। भागलपुर इसाकचक थाना क्षेत्र के वार्ड संख्या 48 शिवपुरी कॉलोनी में गुरुवार की रात जयप्रकाश चौधरी के मकान में अचानक आग लग गई, जिसके बाद आनन फानन में आसपास के लोग अपनी अपनी टैंकी से पाइप जोड़कर आग पर काबू पाने की कोशिश करने लगे, लेकिन आग की लपटें इतनी ज्यादा थी कि स्थानीय लोग आग पर काबू पाने में असफल रहे। वहीं घटना के करीब 20 मिनट बाद इसाकचक थाना एवं दमकल विभाग की 3 छोटी गाड़ी मौके पर पहुंची और लगभग 1.5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि ठंड के कारण अलाव जलाया गया था, जिसकी चिंगारी से घर में आग लग गई। बताया जा रहा है कि मकान जयप्रकाश चौधरी का है। हालांकि इस अगलगी की घटना में कोई भी हताहत नहीं हुआ है, लेकिन लाखों रुपए के सामान जलकर खाक हो गए हैं। हम लोग 9 बजे खाना खा के सो गए थे, जिसमें कि हम लोग जैसे खाना खा के सोए, उसके बाद 10 मिनट के बाद बोलते हैं ऊपर के रेंटर अजीत, वो बोलते हैं कि आपके घर में आग लग गया है। जैसे हम लोग भी दौड़े और अगल बगल के रेंटर भी था हम लोग का, सब आए मिल के सब आग बुझाने की कोशिश किए। बहुत उसके बाद फिर दो दमकल आए, उसके उसी के सबसे फिर तो हम तो नहीं जानते, अब पता करेंगे रेंटर से कैसे, वही बताया गया हमको कि आग लगा है, अब रेंटर ही बताएंगे। जिले में दबंगों का मनोबल सातवें आसमान पर है। अवैध तरीके से जमीन पर कब्जा करना और रंगदारी की डिमांड करना भागलपुर के दबंगों का नया धंधा बन गया है। न तो इन्हें प्रशासन का भय है और न ही कानून तोड़ने से परहेज। ताजा मामला लोदीपुर थाना क्षेत्र के श्रीपुर मौजा का है, जहां जमशी पंचायत के मुखिया पति मनीष उर्फ निक्कू शाह द्वारा जमीन कारोबारियों से 25 लाख रुपए रंगदारी मांगने एवं वर्चस्व कायम करने के लिए गोली चलाने का मामला सामने आया है। वहीं जमीन कारोबारी भिगनपुर निवासी कमल किशोर शाह ने बताया कि उन्होंने 1 एकड़ जमीन का एग्रीमेंट श्रीपुर मौजा में जमीन मालिक शंकर यादव से करवाया था, जिसकी अमीन के द्वारा नापी भी कराई गई थी। पर शुक्रवार की सुबह मुखियापति मनीष प्लॉट पर पहुंचकर 25 लाख रुपए मोटी रकम की डिमांड करने लगे।
जिससे इनकार करने पर मुखिया पति अपने कुछ सहयोगियों के साथ मौके पर पहुंचे और फायरिंग करते हुए जान से मारने की धमकी देने लगे। फायरिंग के बाद हताहत हुए जमीन कारोबारी वहां से भागकर अपनी जान बचाने लगे। वहीं कमल किशोर शाह ने बताया कि मामले को लेकर लोदीपुर थाना में लिखित आवेदन दे दी गई है और प्रशासन से सुरक्षा एवं विधि सम्मत कानूनी कार्रवाई करने की मांग की गई है। लचका रोड में 1 एकड़ प्लॉट लिए हैं, उस पर गए नापी करने के लिए। नापी कर रहे थे हम लोग, काम अपना कर रहे थे, इसी बीच में जो है मनीष कुमार उर्फ निक्कू सिंह पति मुखिया पति हैं, ये आए और बोले काम को रोक दीजिए, आप लोग यहाँ से निकलिए, यहाँ पर आप लोग मत रहिए। तो पूछे भाई क्या बात क्या है, तो नहीं यहाँ पे हम लोग का राज चलता है, हम लोग का शासन चलता है, अगर यहाँ आप लोग को काम करना है 25 लाख रुपये हमको दे दीजिए, उसके बाद काम कीजिए। हम लोग बोले ये तो बहुत गलत बात है, इस तरह से नहीं करना चाहिए। उसके बाद उन्होंने हाथापाई स्टार्ट कर दिया, इसमें हम लोग जो है काफ़ी दहशत में आ गए। हम लोग वहाँ से धीरे धीरे बोले कि अब इस तरह से तो होगा ना, अब तो प्रशासन के पास ही जाना होगा। उसके बाद वो 3 फायर भी कर दिए। फिर हम लोग एक आवेदन जो है लोदीपुर थाना में दिए हैं। कौन फायर किया था? फायर किया ये आपका निपू सिंह, हाँ निपू सिंह मनीष कुमार, 3-4 लोग थे, हाँ 3-4 लोग उसके साथ में थे। तो ये फायर कर दिए, उसके बाद हम लोग जो है वहाँ से निकल गए और आकर के जो है लोदीपुर थाना में अपना एक एप्लीकेशन, नहीं हम लोग थे 4-5 आदमी थे, हाँ हम लोग अपना नापी उपी करवा रहे थे। तो ये नापी नहीं होने दिया, हम लोग को वहाँ से लौटना पड़ गया। हम लोग काफ़ी दहशत में आ गए हैं, हम आवेदन दे दिए थाना में, हम प्रयास करें, कोशिश है हमारा कि भाई हमारे साथ जो है उचित कार्रवाई किया जाए और इस दहशत से हमें थोड़ा निकाला जाए। कौन थाना गए थे? लोदीपुर थाना। जमीन कहाँ पड़ता है आपका? ये लचका रोड है, श्रीपुर मोजा। भागलपुर में बीते वर्ष 8 दिसंबर को कुख्यात अपराधी मोहम्मद चांद ने नाथनगर गुदरी बाजार में ठेकेदार मोहम्मद सोहराब को गोली मारकर जख्मी कर दिया था। इस संबंध में नाथनगर थाना में लिखित शिकायत दर्ज की गई थी। वहीं फरार अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए वरीय पुलिस अधीक्षक भागलपुर आनंद कुमार के निर्देश पर पुलिस अधीक्षक नगर की निगरानी तथा पुलिस उपाधीक्षक नगर अजय कुमार चौधरी के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया और शुक्रवार को तकनीकी अनुसंधान की सहायता से मोहम्मद चांद को नाथनगर रेलवे स्टेशन से फिल्मी अंदाज में पुलिस ने धर दबोचा। बता दें कि पूछताछ के क्रम में मोहम्मद चांद ने कांड में अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली है। इसके अलावा पुलिस द्वारा अन्य बिंदुओं पर अनुसंधान की जा रही है। अंतर्गत एक कुख्यात अपराधी है मोहम्मद चांद, जिसको कल गिरफ्तार कर लिया गया है। इसने रिसेंट में एक आदमी है मोहम्मद सोहराब, उस पर गोली चलाई थी और जख्मी कर दिया गया था उसको इसके द्वारा। तो उस कांड में ये वांछित था और एक स्पेशल टीम बनाई गई SSP सर द्वारा, और इसमें जो DSP सिटी जो है इसका नेतृत्व कर रहे थे और स्पेशल टीम प्लस DIU की टीम इसकी छापेमारी के लिए प्रयास कर रही थी और इसको कल पकड़ा गया है। इसके ऊपर टोटल 5 केसेस अभी तक नाथनगर थाना में पाए गए हैं, जो लूट और विस्फोटक पदार्थ NDPS एक्ट और विस्फोटक पदार्थ इत्यादि पर जिनके ऊपर केस दर्ज हैं पहले से, और टेक्निकल अनुसंधान और एक अच्छा तरीके से इसमें छापेमारी की गई है, उसके बाद इसको पकड़ा गया है। फिर इसकी कन्फेशन में ये बात पता चली कि इसको 1.5 लाख रुपए फिरौती दी गई थी मोहम्मद सोहराब को मारने के लिए, और उसमें से 1 लाख रुपए इसको दिया भी गया था और उसको हम लोग रिकवर करने का प्रयास कर रहे हैं और पूछताछ अभी भी जारी है और टोटल 5 इसके ऊपर केस दर्ज हैं और जो टीम जिसने इस टीम में इसका नेतृत्व DSP सिटी कर रहे थे। अगर आप अपने बच्चों की हकलाहट, तुतलाहट या मूक बधिरता को लेकर चिंतित हैं या बढ़ती उम्र के साथ बहरेपन की समस्या से परेशान, तो चिंता छोड़िए क्योंकि अब भागलपुर में आ गया है इन सब का समाधान, निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। ऑडियोलॉजी, स्पीच थेरेपी के साथ साथ विश्व स्तरीय बेस्ट डिजिटल हियरिंग एड विथ रिचार्जेबल एंड ब्लूटूथ फैसिलिटी। तो आज ही सुनने की जाँच कराएं तथा सुनने की मशीन लगवाएं। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक, हमारा पता है बड़ी पोस्ट ऑफिस के सामने, मेट्रो मिर्ची रेस्टोरेंट तथा सेंट्रल बैंक वाले रोड में, भागलपुर। मोबाइल 7050193341। हमारी दो और भी शाखाएं हैं, पूर्णिया में पंचवटी कॉम्प्लेक्स बिहार टॉकीज रोड लाइन बाजार पूर्णिया, और अररिया में टाउन हॉल के सामने वाले मिर्जा गालिब रोड में AB मेडिकल के समीप।
सर दर्द, चक्कर आना, गर्दन दर्द, कमर दर्द, लो बैक पेन, स्पॉन्डिलाइटिस, लकवा, पैरालिसिस, गठिया, साइटिका, पोलियो, घुटनों का दर्द, आर्थराइटिस, नसों का सूखना, फ्रोजन शोल्डर, लिगमेंट, कार्टिलेज, स्पोर्ट्स इंजरी, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, हाथ पैर सुन्न लगना जैसी अन्य बीमारियों का इलाज करवाए। डॉक्टर प्रवीण कुमार झा, फिजियोथेरेपिस्ट, एडवांस न्यूरो डायग्नोस्टिक एंड फिजियोथेरेपी सेंटर, ग्रामीण बैंक के नीचे, हटिया रोड, तिलका मांझी, भागलपुर, बिहार। कॉल करें 9431446600। बांकामरपुर के मदेवपुर में शहीद पंकज मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट का आठवां लीग शुक्रवार को गरीबपुर और स्टार 11 के बीच खेला गया, जिसमें गरीबपुर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 16 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 229 रन का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया, जिसमें सर्वाधिक सचिन कुमार ने 55 व गुलाम कुमार ने 44 रन बनाए। इधर स्टार 11 के खिलाड़ी बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 16 ओवर में 221 रन ही बना पाए और 8 रन से बढ़त हासिल कर गरीबपुर की टीम ने जीत पर अपना कब्जा जमा लिया। रोमांचक मुकाबला होने के कारण क्रिकेट का आनंद लेने दर्शकों की भीड़ मौके पर जुटी रही। इस दौरान समाज सेवी राजकुमार, स्कोरर आशुतोष कुमार, कमेंटेटर गोपाल शर्मा एवं अंपायर शुभम देव सहित अन्य खिलाड़ी एवं दर्शक मौजूद रहे। बाईस जनवरी को अयोध्या में होने वाले राम मंदिर उद्घाटन के उपलक्ष्य में बांका के अमरपुर में बाइक रैली व शोभा यात्रा निकाला जाएगा। बता दें कि यह रैली किसी व्यक्ति विशेष या किसी अन्य राजनीतिक पार्टी से कोई संबंध नहीं रखता है। इस शोभा यात्रा बाइक रैली में हर वो व्यक्ति आमंत्रित है जो अपने सनातनी होने पर गर्व करता है। राम भक्त सन्नी कुमार ने बताया कि भगवान श्री राम के मंदिर का अयोध्या में उद्घाटन होगा, जिसकी लड़ाई सनातनी 500 वर्षों से लड़ रहे थे। यह पीढ़ी सौभाग्यशाली है जिन्होंने अपनी आंखों से श्री राम मंदिर का निर्माण होते देखा। सन्नी ने सभी सनातनी हिंदू से मिलकर इस महापर्व को एक साथ मनाने की अपील की है।